24/7 पे आप सभी का स्वागत है बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सबको मिल ही चुकी होगी डी ट्रिपल एसपी टीजीटी वैकेंसीज आउट हो गई है 2024 के लिए अब इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं बिकॉज़ हमारे सभी कैंडिडेट, सभी अभ्यर्थी बहुत ही बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगी एज लिमिट का क्या मैटर रहेगा एग्जाम uh, पैटर्न क्या रहेगा सिलेबस क्या रहेगा ये सब चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगी साथ ही साथ मैं पिछले बार का जो आपका कट ऑफ रहा है मैं वो भी आपके लिए लेकर आई हूं ताकि हमें अंदाजा लग सके कि आने वाला जो हमारा एग्जाम है उसमें हमें मिनिमम कितना स्कोर करना है ताकि हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप टीजीटी लेवल पे भर्ती होंगे तो तकरीबन तकरीबन सत्तर हजार रुपये आपकी एंट्री लेवल पे होगी जो बहुत ही कमाल की है और बहुत ही अच्छा एक मौका मिला है हम सब के लिए जिसको हमें हाथ से नहीं जाने देना है तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस मौके के साथ के साथ जुड़ने लिए आपको करना क्या होगा देखिए टीजीटी लेवल पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेकेंसी जो हमारे पास आई है वो है 5118 तो 5000 प्लस वैकेंसीज हैं जिसमें से इंग्लिश की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 803 सौ इसमें अगर मैं बात करूं टीजीटी इंग्लिश फीमेल में 379 आपकी जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और कैटेगरी वाइज इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ फोटो में देखने को मिल जाएगा मेल की जो है 413 टोटल वैकेंसीज हैं और जो एनडीएमसी है न्यू डेली म्यूनिस्पल काउंसिल उनकी ग्यारह टोटल पोस्ट है वो हमारे पास अवेलेबल है तो अब कैटेगरी वाइज अगर हम यहाँ पे देख ले तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे कि टीजीटी इंग्लिश फीमेल में आप देखोगे 203 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की है 22 पोस्ट ओबीसी में एससी में चार पोस्ट एसटी में 141 पोस्ट वहीं मेल में अगर हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी की 225 पोस्ट है 42 ओबीसी की 25 एसटी की 119 एसटी की तो ये आपकी जो है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन बेस्ड जो है वैकेंसीज यहां पे आ जाएंगी अब इन वैकेंसीज के अगेंस्ट अगर हम बात पहले एक बार आपको ये भी बता दू इससे पहले जो हमारे पास दो में वैकेंसी आई थी उस वक्त वैकेंसीज का नंबर काफी ज्यादा था यहां से इस बार से काफी ज्यादा वैकेंसीज थी ये कम थी इसलिए आप मान के चलो कंपटीशन हाई रहेगा आपकी एवरेज कट ऑफ पे इस बात का फर्क पड़ेगा दूसरा मुद्दा आता है एलिजिबिलिटी क्या है तो एलिजिबिलिटी आप मान के चलिए आपका उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप अपना टीजीटी भरेंगे वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो दो साल के लिए तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए बीएड की डिग्री आपके पास हो और सीटेट आपका क्वालिफाइड हो याद रखिए जिस सब्जेक्ट में आप अपनी आप जिस सब्जेक्ट के लिए एज अ टीजीटी अप्लाई करेंगे आपको वो आपके ग्रेजुएशन में दो साल का पढ़ा हुआ होना चाहिए एग्जाम पैटर्न की अगर बात कर ले एग्जाम आपका जो है टोटल टू हंड्रेड क्वेश्चन का होगा डिवाइडेड इंटू फर्स्ट सेक्शन एंड सेकेंड सेक्शन आपका जो पहला सेक्शन है हंड्रेड मार्क्स का इसमें जनरल नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो दूसरा सेक्शन है हंड्रेड मार्क्स का उसमें कंसर्न सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू हंड्रेड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स टू हंड्रेड हर सही एक मार्क्स मिलेगा दो घंटे में सॉल्व करना है अच्छा जनरल क्वेश्चन जो है आपके वो आपके जनरल अवेयरनेस जी के लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज और हिंदी लैंग्वेज नॉलेज इन पांचों टॉपिक के आपको बीस बीस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर मैं आपके कंसर्ट

उसके अलावा आपको ग्रामर से जनरल इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन मिलेंगे टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पे मेरे एनालिसिस के अनुसार लिटरेचर का वेटेज यहाँ पे काफी काफी ज्यादा रहने वाला है लिटरेचर मेक या ब्रेक द डील करेगा आप लोगों के लिए अच्छा अगर उसी अब लास्ट जो हमारा मुद्दा यहाँ पे आता है वो आता है कट ऑफ का कट ऑफ का मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे मैंने पहले भी बताया कि अब से पहले जो पिछली वैकेंसी थी उसमें दो फैक्टर्स जो हैं वो अलग थे इस बार से सबसे पहले उधर आपका जो जनरल पेपर है उसमें फर्स्ट सेक्शन में जो जनरल पेपर है फर्स्ट सेक्शन आपका उसमें आपको मिनिमम फोर्टी परसेंट स्कोर करना ही था अगर नहीं किया तो आपका सेक्शन टू नहीं चेक होगा आप एलिजिबल ही नहीं होंगे उस मेरिट में जाने के लिए अब ये मिनिमम एलिजिबिलिटी हटा दी गई है ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है हटा दी गई है आप पेपर वन में चाहे जनरल पेपर में बीस मार्क्स भी स्कोर करो तब भी आपको फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा तो डेफिनेटली जो है पिछली बार काफी अच्छे बच्चे छंट गए थे जिनका सब्जेक्ट पे होल्ड था वो छंट गए थे अगर किसी रीजन की वजह से उन्होंने जनरल पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो अब क्या रहेगा मामला कि आपने कैसा भी परफॉर्म किया अगर आपका आपके सब्जेक्ट पे होल्ड है तो डेफिनेटली आप जो है कट ऑफ की रेंज में आ सकते हैं तो कट ऑफ एक तो यहां से इंक्रीज हो जाती है दूसरा मैंने आपको बताया पिछली बार जब वैकेंसी आई थी 2021 में उस टाइम नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थी इस बार नंबर ऑफ पोस्ट कप है इन सभी अगर फैक्टर्स को देखें तो पिछली बार इंग्लिश टीजीटी मेल में कट ऑफ एटी गई थी आउट ऑफ टू जो 50 परसेंट से भी कम है और फीमेल की पूरी पूरी 50 परसेंट गई थी 104 सौ चार वन पॉइंट वन जीरो फोर पॉइंट नाइन थ्री थ्री ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है आगे रिजर्व कैटेगरी की जो है वो हैं कट ऑफ हैं और आप देखेंगे कि 10 10 20 20 15 15 मार्क्स का डिफरेंस आपको वहाँ देखने को मिलेगा काफी लो कट ऑफ है मेरे हिसाब से इस बार जो कट ऑफ है वो 130 से 140 की रेंज में रहेगी आउट ऑफ 200 ठीक है वो केवीएस वाली बात ही बन जाएगी 130 से 140 के बीच की रेंज की कट ऑफ रहेगी क्योंकि अब जिनका सब्जेक्ट पे होल्ड है वो सभी बच्चा चाहे उसका जनरल पेपर अच्छा है या नहीं है वो अपने सब्जेक्ट में मार्क्स उठा लेगा और कुछ लोग जो है वो सब्जेक्ट में मीडियोकर हैं वो जनरल पेपर में मार्क्स उठा लेते हैं तो ऐसे में कट ऑफ काफी शूट करने वाली है और तैयारी जो है हमें जोरों शोरों से करनी ही पड़ेगी यहाँ पे अच्छा एक मुद्दा मैंने यहाँ कवर नहीं किया क्योंकि अभी वहां पे एम्बिग्विटी है तो जब तक वो मामला नहीं क्लियर हो जाता हम उसके बारे में कुछ डायरेक्टली नहीं बोलेंगे मुद्दा ये है एज लिमिट का आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस एग्जाम में अपियर करने के लिए तो मेल्स के लिए जो एज लिमिट हमें प्रिस्क्राइब है वो है थर्टी जो कि फोर श्योर है यही रहेगी फीमेल्स की सुनने में यही आ रहा था पहले कि टेन ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो फोर्टी टू जाएगी वो लेकिन जो दो हजार इक्कीस की जो लास्ट नोटिफिकेशन थी उसके उसके अगर हम अकॉर्डिंग तो उसमें जो है एज लिमिट टू नहीं है तो अब मान के चलो कि फीमेल्स की एज लिमिट फोर्टी से फोर्टी टू के बीच में हो सकती है फोर्टी तो है ही है फोर्टी टू तक भी जा सकती है मेल्स की थर्टी टू है ये अभी हमें पता है, exactly जब अपनी थमने का वक्त नहीं है जोरों शोरों से तैयारी शुरू करने का वक्त है मैंने भी तैयारी शुरू कर दी है मेरा इंग्लिश का बैच आ चुका है इंग्लिश के मेरे बैच में जुड़ने के लिए अटर ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आपको जाना है और वहां जाकर आपको बैच में एनरोल करना है कुछ नहीं करना है फटाफट से जाके बैच में एनरोल कर लो बाबा जिस लेवल का पेपर आ रहा है और जिस लेवल की कट ऑफ इस बार प्रोजेक्शन में आ रही है जब तक धमाकेदार तरीके से कमाल के तरीके से सीरियस तैयारी नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं बनेगा कंपटीशन बहुत ही हाई है इस वैकेंसी का दो साल तीन साल से मतलब दो ढाई साल से जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार चल रहा था बहुत लोग इसकी तैयारी कर रहे थे मेरे यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं बहुत सारे जो इस पोस्ट के लिए वेट कर रहे थे तो आपका कंपटीशन सिर्फ टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट से नहीं है आपका कंपटीशन जो है नेट लेवल के कैंडिडेट से यहाँ पे होने वाला है और लिटरेचर भी हमारी जो है वो यूजीसी नेट लेवल की पूछी जाती है तो तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करने की जरूरत है हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पे मेरा नया बैच लाइव है जो शुरू हो रहा है उनतीस जनवरी से तो डे वन से पहली क्लास से जुड़ने के लिए आपको टीचिंग सेक्शन में डी ट्रिपल एस बी के बैचेस में जाना है और यहाँ पे आपको मेरा इंग्लिश का नया बैच दिख जाएगा टीजीटी इंग्लिश का न्यू बैच जो इस वक्त फॉर सम रीजन ये रहा डी टब्लिश का न्यू बैच आपको यहां पर दिख रहा है इस बैच में जुड़ने के लिए बाय नाउ पे क्लिक करें डिस्काउंट कोड बता देतीवेंटी एट परसेंट के मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए बाई फाइव फोर टू कोड को लगा के ये दस हजार का जो बैच है ये आपको पड़ेगा तेईस रुपए का ठीक है अगर मैं बात करूं कि और बेटर डील आपको मैं इसमें कैसे दिला सकती हूँ तो इस वक्त हमारी टीचिंग के महापैक में आपको डबल वैलिडिटी ऑफर मिल रहा है आज रात तक के लिए तो फटाफट से एनरोल कर लो उसमें क्योंकि उसमें आपको और एग्जाम्स की तैयारी भी मिल जाएगी और दो सालों के लिए आप हमसे जुड़ लेंगे और हार्डली आपको हजार रुपए ज्यादा देने हैं तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा तो टीचिंग के महापैग में एनरोल कर लो इसमें सभी कोर्सेज सभी एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाती है टेस्ट सीरीज भी इसमें ही फ्री मिल जाती है और कूपन कोड इसमें लगा लोगे अगर आप तो उसके बाद आप इसका प्राइस देखो पड़ेगा आपको थर्टी तो आपको हार्डली 1200-1500 रुपए ही ज्यादा देने पड़े और यहाँ पे आप ज़्यादा कोर्सेज ज्यादा सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं लंबे समय के लिए दो सालों के लिए तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेहतर रहेगा टीचिंग के महापैक में एनरोल कर लेना बाकी अगर आप सिर्फ इंग्लिश के बैच में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं मैं तैयारी शुरू कर चुकी हूं आपको भी कर लेनी है अब सिलेक्शन वाली तैयारी करेंगे डी ट्रिपल टीजीटी अपने बैच से मैक्सिमम सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे चलिए तो अब इसी जज्बे के साथ इस सेशन को एंड करना चाहती हूँ आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल गई है बहुत ही जल्दी स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोज भी आपके लिए लेकर आएंगे ओनली ऑन अदर ट्वेंटी फोर सेवन बने रहिए हमारे साथ